नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत के बारे में। जी हाँ भाई, कुवैत के बारे में दो टॉपिक पे हम बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कुवैत के वीज़ा के बारे में, जो 6 सेक्टर ऐसे हैं कि जिनमें वीज़ा आप चेंज कर सकते हैं अपना जॉब प्रोफेशन। जी हाँ, दूसरा हम बात करेंगे फ़्लाइट के बारे में, क्योंकि भाई कुवैत, अगर गल्फ देशों में बात करें तो कुवैत में बहुत ज़्यादा जाना भी चाहते हैं, सिक्का भी अच्छा है, कंट्री भी ठीक है, तो बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर आज के टाइम में बहुत सारी बैठी है। दोनों टॉपिक पे हम बात करेंगे, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको कुवैत से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुवैत के वीज़ा के बारे में। जी हाँ भाई, देखिए कुवैत के वीज़ा, अगर वो वीज़ा देखा जाए तो वीज़ा बंद है सिर्फ जो डोमेस्टिक वर्कर, होम वर्कर, जो घरेलू नौकर हैं, वो वीज़ा स्टार्ट हैं, लेकिन जाने का कोई चांस नहीं है। किधर से जाओगे भाई, बहुत महंगा खर्चा पड़ता है, आप लोगों के लिए जाना बस की बात नहीं है। हालांकि YouTube पे आप देखते होंगे बहुत सारी जगह लोग वीडियो भी बना रहे हैं, वीज़ा भी दिखा रहे हैं, अब किस तरह से भेजते हैं वो नहीं बताते, उन बातों ये नहीं बताते कि ये देखो जी हमारे बंदे की फ़्लाइट है और हम ये बंदा ये वीज़ा लग गया है ये जा रहे हैं, ये नहीं दिखाते। वीज़ा दिखाते हैं, ये देखो जी वीज़ा आ गया, क्योंकि मछलियों को और जाल में फंसाने का एक प्रोसेस होता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं मानता। बाकी हम बात करें कि कुवैत के, वैसे तो वीज़ा बंद है, आपको पता है फ़्लाइटें भी बंद है, लेकिन कुवैत में एक नया कानून पास हो गया है जो 15 जुलाई से स्टार्ट भी हो चुका है, जिसमें 6 सेक्टर ऐसे हैं, 6 सेक्टर में अगर आप लोग वहाँ वीज़ा खुलेंगे, यार खुलेंगे टेंशन मत ले, वीज़ा भी खुलेंगे, ओपन होंगे, आप जाओगे काम करोगे, या फिर पहले से आप कुवैत में काम कर रहे होंगे जो कुवैत में वीडियो देख रहे हैं, 6 सेक्टर ऐसे हैं कि जिनमें वो लोग दूसरे जॉब में प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कंस्ट्रक्शन, कृषि का काम, जो खेती बाड़ी से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग लाइन से संबंधित काम करते हैं, पशुपालन, समझ गए ना, जो खेतों में जो अरबियों के जो जहाँ काम करते हैं उनका, मछुआरे जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, सरकारी समिति वगैरह में काम करते हैं, मुक्त व्यापार का जो लोग काम करते हैं, ये जो वर्कर है ना इन 6 सेक्टरों में, ये वर्करों के जैसे वीज़ा लगे, मान लीजिए मेरा कंस्ट्रक्शन का वीज़ा लगा है, मैं कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है तो मैं कृषि क्षेत्र में, पशुपालन में, मछुआरे में या और अंदर वीज़ा मेरा उसका लगा है, लेकिन मैं जॉब उसमें कर सकता हूँ, यानी जॉब ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन दिया है सरकार ने, जो 15 जुलाई 2021 से शुरुआत हो चुकी है। यानी ये 6 ऐसे जॉब हैं जो आप किसी भी जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में कर सकते हैं उसी वीज़ा में, जॉब ट्रांसफ़र। जी हाँ, तो आप ये बातों को समझ गए होंगे। और बाकी भाई, सरकार ने जो 60 साल से ऊपर हो चुके उनके वर्क परमिट रिन्यू पे रोक लगा दी है बाकायदा, जो मैंने पहले भी बताया था कानून बन चुका है उस पे रोक अस्थायी तौर से लग गई है। 60 साल जिनकी हो चुकी है उनका वीज़ा जब तक पड़ा है वो काम करते रहिए, बाकी उनका वीज़ा जब ख़त्म हो जाए तो आप अपने घर चले जाएँ। जी हाँ, और केवल वीज़ा रिन्यू उन्हीं का होगा जिन्होंने कॉलेज की डिग्री ली हुई है, जिनके पास डिग्री है, यानी आप समझ सकते हैं कॉलेज की वे 15 क्लास पढ़ाई किए हुए, समझ सकते हैं एजुकेशन, कॉलेज तक पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं की डिग्री मान्य होगी भाई। आज जो आदमी आज 60 साल का है ना, तो हज़ारों में से कोई 2-4 बंदे ऐसे हो सकते हैं जिनके पास कॉलेज की डिग्री है, बाकी मुझे नहीं लगता किसी भी 60 साल के बंदे के पास कॉलेज की डिग्री होगी। यार 60 साल का है तो 20 साल पहले उसने, 40 साल पहले कॉलेज में था ना वो, तो 40 साल पहले इंडिया में कहाँ बेचारे कॉलेज कर रहे थे। तो ये हालांकि सरकार ने इन लोगों की संख्या कम करने का एक बहाना है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको वहाँ रख लेंगे ताकि वो अच्छे जॉब में, अच्छे काम में काम आ सके, बस यही सरकार का प्रोसेस है। फ़्लाइट की हम बात कर लेते हैं। जी हाँ, फ़्लाइट की बात करें तो भाई आपको पता 1 अगस्त से, जी हाँ, फ़्लाइटें कुवैत की स्टार्ट होने जा रही है, नो डाउट। लेकिन अभी आप बोलोगे यार 1 अगस्त फ़्लाइट कहाँ स्टार्ट हो रही है, कहाँ, झूठ बोल रहे हो, लेकिन सच है, झूठ ही बोल रहे हैं और क्या है भाई, इंडिया का तो नंबर नहीं आ रहा है, सीधी बात है। कुवैत फ़्लाइटें स्टार्ट कर देगी 1 अगस्त से, जी हाँ, लेकिन इंडिया को उसमें नहीं रखा गया कैटेगरी में, जी हाँ। लेकिन हाँ, तीसरे देश से होके आप कुवैत जा सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। अगर आपके दोनों डोज लगी हुई हैं तो थर्ड कंट्री में आप पहले जाओ, जैसे आप कतर से या फिर दुबई की फ़्लाइट स्टार्ट हो जाती हैं तो 14 दिन, जो पहले लोग जाते थे सेम प्रोसेस है, दुबई 14 दिन वेट करिए, वहाँ पर क्वारंटाइन होइए, दोबारा आप रिपोर्ट लें, वहाँ पर कोरोना का टेस्ट करवाएँ, और दोनों डोज इंडिया से लगे हुए होते हैं, फिर आप कुवैत जा सकते हैं। लेकिन अभी भी वही जा पाएंगे जिनके पास वैध वर्क परमिट वीज़ा हैं, जी हाँ वही जा पाएंगे, विजिट वीज़ा या वीज़ा कैंसिल वाले लोग नहीं जा पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, दोनों कोविशील्ड की डोज आपको लगी होनी, एस्ट्राजेनेका कुवैत में बोलते हैं, इंडिया में कोविशील्ड बोलते हैं, वो दोनों डोज लगी होनी चाहिए आपके। अगर एवरेज देखा जाए तो भाई इंडिया में लगभग 3.5-4 लाख के करीब लोग इंडिया में बैठे हैं जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं, आप बताओ ये लोग इतने कैसे जाएंगे। मुझे लगता है इनमें बहुत सारे, आधे से ज़्यादा लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो गए जहाँ तक लगता है, क्योंकि यार कुवैत सरकार वीज़ा रिन्यू कर रही है लेकिन वो कितने दिनों का कर रही है, सोचने की बात, अभी जो 7-8 महीने से उन्हीं का वीज़ा रिन्यू हो रहा है, बाकी फ़्लाइटें तो 1.5 साल से बंद पड़ी है ना,
डेढ़ साल से ऊपर टाइम हो गया भाई, तो उनका वीज़ा एक्सपायर होते रिन्यू करते करते एक्सपायर ही हो गया, वीज़ा एक्सपायर हो गया, एक साल का वीज़ा लगता है तो फिर बंदा जाएगा कैसे। तो ये एक गंभीर विषय की बात है। बहुत सारे लोग, 4 से 3.5-4 लाख लोग इंडिया में बैठे हैं जो अभी नहीं जा पा रहे हैं। तो भाई देख लीजिए, आप अगर फ्लाइट चालू हो जाती है कतर से भी कुवैत जा सकते हैं, या फिर इन दुबई से फ्लाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन खर्चा पता है कितना लगेगा आपका। अगर आप इनडायरेक्टली जाओगे तो 1,50,000 से नीचा खर्चा नहीं आने वाला, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यही अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।